सुप्रभात। हिंदी पद्य जीवनी लेखन, हिंदी पद्य की जीवनी श्री माखनलाल चतुर्वेदी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का बाबई ग्राम। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक स्कूल में हुई और फिर इसके बाद इन्होंने अपने स्वाध्याय द्वारा ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का सम्यक ज्ञानार्जन किया। ये बहुत अच्छे एक कुशल पत्रकार भी थे। इन्होंने प्रभा मासिक पत्रिका और करमवीर दैनिक पत्र का संपादन भी किया। जीवन परिचय। राष्ट्रीय चेतना प्रधान कवि, राष्ट्रीय चेतना प्रधान कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत बाबई नामक ग्राम में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। बाबई ग्राम में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो एक कुशल शिक्षक थे। इनके पिताजी अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद आपने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन करके ज्ञानार्जन किया। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने भी अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य के बाद फिर संपादन के क्षेत्र में आ गए। आपने प्रभा मासिक पत्रिका और करमवीर दैनिक पत्रिका कुशलतापूर्वक संपादन किया। फिर इनका संपर्क हुआ गणेश शंकर विद्यार्थी जी से। तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। देश की स्वतंत्रता के जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहे थे, उन आंदोलनों में भाग लिया। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनसे जब संपर्क में आए तो इन्होंने देश प्रेम, देशभक्ति की इनको प्रेरणा दी और ये राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए। राष्ट्रीय आंदोलनों में जुड़ने के कारण इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। कई बार ये जेल गए और जेल में कारावास के समय में भी, जेल की सजा काटते समय भी इनकी लेखनी नहीं रुकी। अर्थात जेल में भी इनका लेखन कार्य उसी गति से चलता रहा। कलम के सिपाही की तरह देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे, लेखनी से भी और शरीर से भी, दोनों ओर से देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन संघर्ष किया। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति चुने गए। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो प्रयाग में संस्था है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, उसके आप सभापति चुने गए। सागर यूनिवर्सिटी, सागर विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सागर यूनिवर्सिटी ने आपको डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण दिया और हिंदी साहित्य तो सागर यूनिवर्सिटी ने इनको डीलिट की उपाधि दी। अपनी कविताओं के द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंखनाद करने वाला यह कलम का सिपाही 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में इस असार संसार से विदा हो गया। कब मृत्यु हुई? 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने इस संसार सागर का परित्याग कर दिया और परलोकवासी हो गए। रचनाएं।
श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, नंबर एक हिम किरीटिनी, नंबर दो हिम तरंगिणी, नंबर तीन युग चरण, नंबर चार माता, नंबर पाँच समर्पण, नंबर छह वेणु लो गूंजे धरा। अन्य रचनाएं हैं इनकी, अन्य रचनाओं में साहित्य देवता, रामनवमी, संतोष, बंधन सुख, कला का अनुवाद, कृष्णार्जुन युद्ध आदि। इनको हिम तरंगिणी रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अंतिमेटिंग हिंदी साहित्य में स्थान श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी की अमूल्य धरोहर हैं, बेशकीमती रचनाएं हैं, अमूल्य धरोहर हैं। आपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचनाएं कर युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति भावना जगाने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का बहुत ही श्रेष्ठ मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी की सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। जो इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है, उसके लिए ये सदा हिंदी जगत में एक कर्मठ कवि के रूप में स्मरण किए जाते रहेंगे। हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी का बहुत सराहनीय विशेष योगदान रहा है, इसलिए हिंदी साहित्य जगत कभी भी माखनलाल चतुर्वेदी का नाम विस्मरण नहीं कर सकेगा।